नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। कर्नाटक के सियासी गलियारों में एक बार फिर ऑपरेशन कमल की गूंज सुनाई देने लगी है। कांग्रेस के चार विधायकों के मुंबई पहुंचने की खबर के साथ ही राज्य में सियासी पारा चढ़ चुका है और वार पलटवार का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। कैबिनेट में जगह न मिलने से और कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों की वजह से कांग्रेस JDS सरकार एक बार फिर संकट के घेरे में है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक आनंद सिंह, बी नागेंद्रा, उमेश जाधव और BC पाटिल मुंबई पहुंच चुके हैं, जबकि रमेश और निर्दलीय विधायक शंकर भी मुंबई पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस के विधायक रामप्पा भीमा नायक, के रमेश, JDS के बी सत्यनारायण और निर्दलीय उम्मीदवार नागेश के संपर्क में है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और ऊर्जा मंत्री DK शिवकुमार ने केवल 3 विधायकों के ही नाम लिए हैं और कहा है कि बाकी विधायक उनके क्षेत्र में हैं। उन्होंने BJP पर एक बार फिर राज्य में ऑपरेशन कमल चलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुल विधायकों की संख्या 224 की है, यानी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 113 विधायक होना जरूरी है। BJP ने चुनाव में 104 सीटें जीती थी, वहीं JDS और कांग्रेस के मिल जाने से 116 विधायक हो जाते हैं। वहीं 2 निर्दलीय और 1 बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी सत्ताधारी पक्ष के साथ हैं, जिसके गठबंधन का आंकड़ा 119 पहुंच जाता है। उत्तर मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने इन खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 विधायक मेरे संपर्क में हैं और मेरी सरकार किसी भी तरह के संकट में नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूं, मीडिया इसकी चिंता ना करे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि BJP ने कर्नाटक में 17 जनवरी तक सरकार गिराने का प्लान बनाया है। हालांकि विधानसभा में BJP की स्थिति देखते हुए एक बार फिर ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में क्या BJP अपनी गठजोड़ की राजनीतिक जरिए अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।